अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए लगातार मुख्यमंत्री अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। बावजूद इसके खनिज विभाग अवैध खनन रोकने में नाकाम साबित हो रहा था। यही वजह है कि अब अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। पाटन SDOP ने अवैध रेत खनन में लिप्त 10 हाइवा को जब्त किया। साथ ही पुलिस ने एक JCB, एक जीप और एक कार भी बरामद की है। अवैध खनन और परिवहन को लेकर लगातार जबलपुर की शिकायत मुख्यमंत्री कमलनाथ के पास पहुंच रही थी। यही वजह है कि CM और वित्त मंत्री तरुण भनोत के निर्देश पर बिलखेड़ा थाना के कूड़ाघाट के पास अवैध खनन के खिलाफ कार्यवाही की गई। पुलिस की कार्यवाही से खनन माफिया में हड़कंप मच गया। पाटन SDOP रोहित केशरवानी की टीम ने रेत से भरे वाहन जब्त कर उनकी जानकारी न्यायालय को दी है। अवैध खनन को लेकर पुलिस की यह बड़ी कार्यवाही बताई जा रही है। ये SP सर के और एडिशनल SP सर के मार्गदर्शन में निरंतर रेत की कार्रवाई, अवैध रेत जहाँ भी चल रही है उसके लिए हमें गाइडेंस मिला है और ये निर्देश मिले हैं कि हमें लगातार कार्रवाई करनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए कल रात को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बेलखेड़ा के गांव कूड़ा में रेत का अवैध खनन और उसके बाद भंडारण के बाद वो भर के रेत के हाईवा जा रहे थे। तो सूचना मिलने पर हम लोग की टीम रात में ही रवाना हुई और वहां पहुंच के हमने अपनी टीम को छुपाए रखा। जैसे जैसे एक एक हाईवा आता जा रहा था, हम उसके ड्राइवर का मोबाइल छीनते जा रहे थे और उसको बिठाते जा रहे थे। तो ऐसे करके हमने रात में 10 हाईवा पकड़े हैं, एक JCB पकड़ी है। ये मेनली वहीं के ही रहने वाले कूड़ा के सिद्धार्थ की है, तीन हाईवा गोलू ठाकुर की है, फिर एक संदीप की है और एक टेक्सिंग राजपूत का JCB है, और तीन और जो हाईवा है उनका अभी पर बताना शेष है कि वो किसकी है उसका अभी पता चलना शेष है। और ऐसी ही कार्रवाइयां हम सर के गाइडेंस में निरंतर करते रहेंगे आगे भी, और जो भी अवैध रेत का नर्मदा मैया से जो भी चल रहा है अवैध रेत का कारोबार, उस पर जितना हो सके हम अंकुश लगाएंगे। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।